उपमंडल स्वारघाट के बेहल जंगल में शिकारियों ने जंगली जानवरों का शिकार करने के लिए तारों का जाल बिछाया था। इस जाल में वो जानवर तो नहीं फंसे जिनका ये शिकारी मांस खाना चाहते थे, लेकिन एक तेंदुआ फंस गया। जंगल में ये नर तेंदुआ एक खड्ड के समीप पेड़ों के बीच छुपाकर लगाए गए इन तारों के फंदों में बुरी तरीके से फंसा था। आप इस बात से अंदाज़ा लगाइए कि फंसने के बाद इस तेंदुए ने तार तोड़ने की बहुत कोशिश की। कई दिनों तक इसी तरीके से फंसे होने के बाद भूखे प्यासे इस तेंदुए की दम घुटने से मौत हो गई। स्थानीय ग्रामीणों ने जब मृत तेंदुए को देखा तो इसकी सूचना वन विभाग को दी। कुछ देर बाद वन विभाग और पुलिस थाने की टीम मौके पर पहुंची, तेंदुए के शव को कब्जे में लिया। कौन वेटनरी ऑफिसर स्वारघाट, तो हमें इतला मिली थी कि बहल गांव में एक तेंदुआ जो ऐसे मृत पाया गया। तो जैसे हम मौके पर पहुंचे वहां हमने देखा कि उसमें फाही लगा करके उसमें जो फंस गया था तेंदुआ और निकलने पर उसकी डेथ हो गई है। स्नो लेपर्ड आए जी, और इस वजह से फिर हमने उसका सारा पोस्टमार्टम किया और पुलिस भी साथ में आई थी और वाइल्ड लाइफ वाले भी साथ में आए थे, तो हमने उसको पोस्टमार्टम करके रिपोर्ट दे दी है। फाई से मरने से मौत हुई है, वैसे तो और कोई रीज़न नहीं मेरे को, कोई जख्म और कुछ नहीं है इसको। फाई में फंस गया, निकल नहीं पाया, इसको डेथ हो गई। मैं प्रदीप ठाकुर, प्रधान ग्राम पंचायत कोड़ावाला। आज मुझे सुबह करीब 9 बजे लोकल लोगों में से 2-3 ने फ़ोन करके इन्फॉर्मेशन दी कि साथ लगते नाले में तेंदुआ पड़ा हुआ है। तो मैंने जब फॉरेस्ट गार्ड रविंदर को इसके बारे में बताया तो उन्होंने मौके पर आकर देखा कि एक तेंदुआ जो कि फाही या कड़की जो भी बोलते हैं उसमें फंसा हुआ था और मृत अवस्था में पाया गया, जिसकी जानकारी फॉरेस्ट गार्ड द्वारा पुलिस को और वेटनरी वालों को बुलाया गया और उसका पोस्टमार्टम करके बाद में उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया।